जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी SSC MTS भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपका पेपर है वो हो चुका है, सभी अभ्यर्थी पेपर भी दे चुके होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी लाखों अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने वाले की कट ऑफ कितनी रह सकती है, साथ में दोस्तों आपकी कट ऑफ इस बार बहुत कम रहने वाली, इसका कारण क्या है, साथ में ये भी बता देता हूँ दोस्तों आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, साथ में 2018 से 2019 के जो कट ऑफ उसमें उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे कैटेगरी वाइज की कितनी कितनी आपकी कट ऑफ इस बार रह सकती है, सेकंड पेपर में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, किस प्रकार आपको सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो सारी जानकारी दोस्तों स्टूडियो में आज हम देने वाले। तो आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों SSC MTS भर्ती 2019 के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, 2018 की कट ऑफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि 2018 की जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी SSC MTS की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2018 की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात करें तो पिछली बार की आपकी कट ऑफ है वो 110 के लगभग आपकी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की रही थी। और अगर बात करें OBC कैटेगरी की तो पिछली बार OBC कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी 101 कट ऑफ रही थी। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर SC ST की तो SC की यहाँ पर 100 के लगभग ST की यहाँ पर 100 के लगभग थी और ST की यहाँ पर 87 के लगभग है वो कट ऑफ रही थी। ये एनालिसिस है दोस्तों 2018 की कट ऑफ का। जी हाँ दोस्तों, 10,000 के लगभग पिछली बार आपकी वैकेंसी थी टोटल और आपकी कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर जनरल की 110, OBC की 101 और ST की आपकी जो SC है उसकी कट ऑफ यहाँ पर 100 गई थी और ST की यहाँ पर 87 के लगभग है वो कट ऑफ पर रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों 2019 की, क्योंकि अब की बार की जो आपकी SSC MTS की भर्ती है उसमें वैकेंसी है वो आपको नहीं बताई गई है पूरी, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों वैकेंसी एग्जाम के बाद में भी बढ़ा दी जाती है, इसमें इंक्रीज कर दी जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उससे पहले भी इसमें कई बार वैकेंसी है वो इंक्रीज कर देते हैं SSC में, तो पहले नहीं बताते। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज, फिर भी लगभग 10,000 प्लस आपकी वैकेंसी है वो इस बार आपको मिलने वाली है। तो इस बार की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने हैं तो इस दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बार की जो कट ऑफ है उसका सबसे जो आपकी कट ऑफ वो कम रहने का कारण क्या है। नहीं तो अगर बात करें दोस्तों CPO SI की बात कर लो, 10+2 की बात कर लो, CGL की बात करो, सभी की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, लेकिन इसमें पहली बार दोस्तों नॉर्मलाइज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मार्क्स है वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत लंबा चल गया था तो अब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के पेपर है वो थोड़ा ठप आया था उनके नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले, तो नंबर कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते दोस्तों मैं बता देता हूँ। CPO में यहाँ पर 20 से 30 नंबर के लगभग अभ्यर्थियों के बढ़े थे, बल्कि बात करें SSC GD में तो यहाँ पर 12 नंबर और 15 नंबर तक यहाँ पर SSC GD में भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। तो अब दोस्तों कट ऑफ बात करते हैं, कट ऑफ हम बात कर रहे दोस्तों रो मार्क्स के आधार पर, आपके नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कर रहे हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कट ऑफ में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात करते हैं, इस बार आपका नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कट ऑफ देखने वाले हैं, क्योंकि आपका पहली बार यहाँ पर SSC MTS में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के आधार पर देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें 2019 SSC MTS भर्ती के बारे में, तो यहाँ अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी की बार की कट ऑफ आपकी रह सकती है दोस्तों 115 के लगभग। जी हाँ दोस्तों, 115 से नीचे यहाँ पर नहीं रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दोस्तों आपके रो मार्क्स भी 110 या 105 आ रहे हैं तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने वाले। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ये आपको मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आपकी कट ऑफ है, इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ेंगे वो भी इंक्लूड है। साथ में बात करते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी की, अगर दोस्तों OBC कैटेगरी की इस बार की बात करें तो पिछली बार 101 गई थी लेकिन रो मार्क्स थे पिछली बार, अब की बार नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात करें, नॉर्मलाइज आपकी नंबरों के आधार पर कट ऑफ की बात करें तो यहां आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है दोस्तों 110 के लगभग। जी हाँ दोस्तों, 110 के लगभग अगर आपके नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो आपको SSC MTS के सिलेक्शन में कोई यहां पर नहीं रोक सकता, आपको सेकेंड पेपर की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों उसी के बारे में भी बात करेंगे कि सेकेंड पेपर किस प्रकार आता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होने वाला, सेकेंड पेपर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या करवाया जाता है वो भी मैं लास्ट टाइम आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगर SC कैटेगरी की यहां पर बात करें तो SC कैटेगरी की पिछले बार 100 के लगभग गई तो अब की बार 102 से 105 के लगभग यहां पर कट ऑफ है वो रह सकती है। उस
उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर एसटी की, तो एसटी की इस बार की कट ऑफ है वो 95 तक यहाँ पर कट ऑफ है, वो जाने के चांसेस है। ये सारी कट ऑफ है दोस्तों, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मैंने कट ऑफ बताई है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस का टीयर फर्स्ट है उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, सेकेंड पेपर के लिए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका सेकेंड पेपर भी होने वाला है, सेकेंड पेपर का भी रिजल्ट आएगा, उसमें जो क्वालिफाई होंगे अभ्यर्थी उन्हीं की यहाँ पर मेरिट लिस्ट आने वाली है और उनके अपने जो नंबर है उन्हीं के आधार पर आपको जो स्टेट चॉइस है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब आपका फॉर्म अप्लाई किया गया था उस टाइम आपको स्टेट प्रिपरेशन चॉइस है वो एसएससी के द्वारा यहां पर मांगी गई थी, तो अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपकी अच्छी जो आपका स्टेट है होम स्टेट है वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपके सबसे कम नंबर है तो आपने जो लास्ट में प्रिफरेंस लगाई है वो स्टेट आपको यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहां पर कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अब आपके सेकंड पेपर की। अगर बात करें दोस्तों सेकंड पेपर की यहाँ पर बात करें तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, और आपको क्या लिखना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखना है एक ही चीज़ आपको लिखनी होगी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपको एप्लीकेशन या लेटर है वो आपके पेपर में आने वाला है। अगर ये दो चीज़ आपके आने वाली है, इनमें से एक चीज़ आपको यहां पर लिखनी होती है, और ये जो आपका पेपर होगा सेकंड पेपर इसके नंबर है वो जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें नहीं जुड़ने वाली है, केवल क्वालिफाई नेचर पे होने वाला है। यहां पर आपको क्वालिफाई मार्क यहां पर लाने होते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की थोड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मेन चीज ये देखते हैं कि अभ्यर्थी की जो राइटिंग है वो किस प्रकार की, क्या वो लिख रहा है। तो ये चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए कि लेटर किस प्रकार लिखा जाता है, एप्लीकेशन में ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, सबसे नीचे क्या लिखा जाता है, ये सारी चीजों का आपको थोड़ा बहुत आप देख लोगे तो आप आराम से सेकंड पेपर में पास यहां पर हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस भर्ती 2019 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या नोटिस आता है तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।